ऐसे राजनीतिक समीक्षक ये कह रहे हैं कि डीएमके की एक प्रेशर टैक्टिक्स है और वो तमिलों के प्रति जो है अपना वो एक इमोशनल अटैचमेंट दिखाने के लिए श्रीलंका के मानवाधिकार उल्लंघन के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में जो प्रस्ताव आना था उस प्रस्ताव में भारत सरकार उसका जो है समर्थन करे और अमेरिका का जो प्रस्ताव जो फेवर में है श्रीलंका के उसका वो विरोध करे, इस बात का दबाव जो है करुणानिधि और द्रमुक पार्टी यूपीए पर डाल रही थी। लेकिन यूपीए सरकार जो है इस मसले पर बड़े आनन फानन में फंसी है क्योंकि श्रीलंका के साथ उसका संबंध बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन तमिल वाले सवाल पर जो है करुणानिधि प्रेशर टैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि अगर यूपीए सरकार अल्पमत में आती भी है तो कोई भी इवन कि मुख्य विपक्षी दल भाजपा भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहती है क्योंकि अब चुनाव होने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं है और मुश्किल से ये 2 सेशन और बिल्कुल चलेगा। मनोहर जी, 9 साल का गठबंधन कम नहीं होता है, तो क्या लगता है कि अब डीएमके का क्या रुख होगा और सरकार का क्या रुख होगा? अब देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी कल एक चर्चा में कह रहे थे, चूंकि वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और जयललिता के पहले उन्होंने बड़ी सलाहकार की भूमिका निभाई थी और एनडीए से उनका एक तरह से अलाइनमेंट भी हुआ है, तो उनका तो ये कहना है कि वो एक नाटक रच रही है और 1 महीने के बाद वो फिर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ सकती है। बहरहाल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो है सरकार से दूरी बनाई, अब जो है द्रमुक इनसे दूरी बना चुका है, तो जो इनका जो बहुमत की जो आधारशिला है वो आउटसाइड सपोर्ट पे डिपेंड करता है, न कि वो सरकार में शामिल है। तो उनका मन भी कोई नहीं जानता है कब बदल जाए। बसपा और सपा पार्टियां जो निजी निहायत जो है राजनीतिक स्वार्थों की वजह से यूपीए सरकार को समर्थन दे रही हैं। आज मायावती का बयान आया है कि अनुसूचित जाति के और जनजाति के प्रमोशन के सवाल पर वो कांग्रेस का समर्थन कर रही है। मुलायम सिंह बिल्कुल, यादव, मायावती बहुत चालाकी से राजनीति करती हैं और मुलायम सिंह की बात करें तो वो बहुत अवसरवादी नेता हैं। हाँ देखिए, मुलायम और मायावती दोनों जो है अपने राजनीतिक स्वार्थों की ही वजह से यूपीए का केंद्र में साथ दे रहे हैं। राज्य में उनके वो धुर विरोधी हैं, कहीं से कोई अलाइनमेंट नहीं है, ना बसपा का कांग्रेस से अलाइनमेंट है, ना सपा का कांग्रेस से अलाइनमेंट है यूपी में। तो ये एक निश्चित तौर पे अपने राजनीतिक समीकरणों की वजह से, जिसमें कि सीबीआई की जांच सबसे प्रमुख है, और इससे यह इस बात का भी आभास होता है कि सीबीआई का कैसे पॉलिटिकल दुरुपयोग होता है सरकारों के द्वारा और खासकर यूपीए के सरकार के द्वारा। तो निश्चित रूप से राजनीतिक जो परिस्थिति जो है भारत की वो थोड़ी सी गरमाई जरूर है, जी बिल्कुल, लेकिन यह है कि तत्काल और तुरंत त्वरित संकट सरकार के सामने अभी नहीं आया है, अगर अरिथमेटिक्स की बात करें जी तो। बिल्कुल। सरकार का जब संकट पड़ता है तो मुलायम सिंह हमेशा उनके साथ रहते हैं, लेकिन अभी यूपी का जो संकट आया था उसमें सरकार ने उनका साथ नहीं दिया, क्या कहेंगे इस पे? यूपी का कौन सा संकट? जो जी बेनी वर्मा अभी का, जी अभी जो सीबीआई जांच हो रही है, राजा भैया का केस आया था, उसमें सरकार का कुछ साथ मिलता दिखा नहीं? नहीं सरकार का साथ उसमें क्या मिलेगा, एक तरह से वो एक बड़ी घटना घटी थी जो कि उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लेकर आया था कानून व्यवस्था को लेकर के, और उस मामले में उस व्यक्ति की भूमिका को लेकर के जो कि पहले से ही विवादित रहा है, राजा भैया को लेकर के। लेकिन यह है कि सीबीआई की जांच, चूंकि उसमें कहीं ना कहीं एक मुस्लिम डीएसपी एक ऑफिसर्स का मामला था जो एक तरह से इनका वोट बैंक माना जाता है, तो इन्होंने एक तरह से पॉलिटिकल मैनेजमेंट किया और उसको क्राइसिस मैनेजमेंट भी किया। आनन फानन में तुरंत उसको नौकरी देने की घोषणा की, उसके लिए बहुत भारी मुआवजा देने की घोषणा की, जो व्यक्ति पहले मारा गया वो प्रधान उसके परिवार को भी भारी मुआवजा दिया गया। और सीबीआई की जांच की मांग तो सब लोगों ने की थी, अगर सीबीआई की जांच अगर वो मांग नहीं मानते मुलायम सिंह तो प्रदेश में उनका जो है जो मुस्लिम समुदाय है उससे नाखुश होता। वैसे भी मुफ्ती का परिवार जो है उनसे सपोर्ट विड्रॉ कर चुका है मुलायम सिंह से, तो केंद्र से उसका कोई सरोकार नहीं बनता है। आज भी जो है सपा और बसपा जो है इस सरकार को बैसाखी दिए लेकिन हुए हम हैं, सब लेकिन कब एक बात तक? है, लेकिन हाँ कब जी तक वाली जो बात है कि सितंबर में पहले ही मुलायम सिंह यादव घोषणा कर चुके हैं जी कि आप अपने कार्यकर्ताओं से कि आप चुनाव के लिए तैयार रहें, जी तो ऐसे में ये दिलचस्प होगा कि अगले साल जो मार्च में चुनाव जो ड्यू है वो कहीं ये सरकार इस साल का जो शीतकालीन जो अधिवेशन है हो सकता है उसका सामना न कर पाए, लेकिन उसके लिए पूर्व तैयारी करनी होगी। लेकिन अब तक के अनुभव यही बताते हैं कि जी कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक जो प्रबंधनकार हैं वो अब तक सफल रहे जी हैं। बिल्कुल। मुलायम सिंह जिस तरह से हम साथ साथ का दावा कर रहे हैं, यही मुलायम सिंह कुछ दिनों पहले मध्यावधि चुनाव की भी बात कर रहे थे। मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे थे, सिर्फ एक आशंका जता रहे थे कि
लेकिन यह भी जरूर है कि मुलायम सिंह यादव अपनी तैयारी भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 65 सीटों पर अपनी वो चुनावी उम्मीदवारों की घोषणा पहले से ही कर चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि वो एक तरह से पूरे डिटरमिंड हैं कि वो कभी भी चुनाव जो है फेस कर सकते हैं लोकसभा का। लेकिन सपोर्ट देना एक तरह से उनकी मजबूरी भी है और हो सकता है वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर के महीने में मतलब कि बरसात के जो अधिवेशन जो है, मानसून जो अधिवेशन है, उसके बाद से मुलायम सिंह शायद सपोर्ट खींच लें, जो उनके बयानों से भी आभासित होता है। हो सकता है उसमें फिर द्रमुक साथ देते, या हो सकता है कोई पार्टी इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव न लाए। आज खबर आ रही है कि वामपंथी भी जो हैं इस सरकार का बाहर से समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि वामपंथी आज की तारीख में यूपीए के हाफ फ्रेंड भी हो चुके हैं, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी उनसे समर्थन खींच चुकी है। तो वामपंथी दल और ममता बनर्जी दोनों कभी ना कभी जो है वो यूपीए के और कांग्रेस के सहयोगी बन जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो मिला जुला करके ये स्थिति लग रही है कि संकट कम से कम 6 महीने के लिए तो नहीं। बिल्कुल। जेडीयू की क्या बात करें, जेडीयू के जिस तरह से निशाने पर सरकार, हाँ, के निशाने पर जेडीयू है, तो क्या जेडीयू भी अपना रुख बदल सकती है? बिल्कुल। देखिए, इस यह हमारा देश जो है एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है, और अब जो है हमारा लोकतंत्र भी फेडरल रूप लेता जा रहा है। कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है करीब 2 दशक पुराना हो चुका है। चाहे वो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए हो या भाजपा के नेतृत्व में एनडीए हो, तो ऐसे में जो साझेदार हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो एक ह्यूज पॉलिटिकल बार्गेनिंग के फिराक में रहते हैं। हालांकि जेडीयू जो है एनडीए का सबसे पुराना गठबंधन साझेदार में से है, अकाली और जेडीयू ये एनडीए के सबसे पुराने साझेदार हैं, और बिहार में बड़ी सफलतापूर्वक उनकी सरकार भी चली है। लेकिन नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। एक तो उन्होंने बिहार के विशेष दर्जे को लेकर के उन्होंने इस बात का आभास कराया है कि इस देश में राजनीति जो है पहचान से अलग मुद्दों पर भी की जा सकती है। वो विशेष दर्जा का मामला आर्थिक विकास से जुड़ा है बिहार के, लेकिन उसके साथ तकनीकी पेच है, क्योंकि बिहार एक मैदानी और बहुल जनसंख्या बहुल राज्य है। तो ऐसे में अगर वो मांग पिछड़ेपन की करता है तो उसी के साथ जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे अनेक राज्य जो है उस कतार में आएंगे और वो भी मांग करेंगे। तो चूंकि नीतीश कुमार ने इसकी अगुवाई की है, तो तमाम रैलियां और तमाम प्रदर्शन और बड़ी बड़ी सभाएं की हैं बिहार में भी और जाके दिल्ली में हुई है, तो वो एक तरह से संकेत उन्होंने कांग्रेस को दिया है कि आप केंद्र सरकार के मुखिया होने के नाते यदि आप हमारी मांगों को सुनते हैं तो आपके प्रति जो है हमारी राजनीतिक सहानुभूति हो सकती है, और इस तरीके का संकेत दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कि नीतीश कुमार इस मांग को पूरी करने की एवज में हो सकता है कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने ना दें, लेकिन एनडीए का फुल सपोर्ट अगर वो खींच लें, तो एनडीए का यदि वो सपोर्ट खींचने की बात करते हैं तो मुझे लगता है इन टोटो संपूर्ण दृष्टि से उन्हें राजनीतिक नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी छत्रपों के हाथ में कभी भी सत्ता नहीं देगी, उस तरीके का साझेदार नहीं बनाएगी जो उनको भाजपा से मिलता आया है, और भाजपा के साथ उनका गठबंधन करीब 15 साल पुराना हो चुका है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने जो है एक तरह से रैली कर अगले विधानसभा चुनाव में बिहारी जनसंख्या को देखते हुए अपनी एक तरह से राजनीतिक पैठवी का उनका मकसद है। दूसरा मकसद है कि एनडीए में वो अपना नरेंद्र मोदी के विरोध को और पुख्ता करना चाहते हैं। तीसरा ये है कि बिहार में जो उनके विरोधी हैं, खास के भाजपा में जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ के समर्थन में लॉबिंग करते हैं, उनको वो मैसेज देना चाहते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ भी जा सकता हूं। और चौथा ये उनकी अपनी भी कुछ निजी महत्वाकांक्षा वो फुरफुराहट ले रही है, क्योंकि पिछड़े राज्यों का वो हवाला ले रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि मेरे समर्थन में भी कुछ लॉबी जो है 2014 के चुनाव के बाद तैयार हो सकती है। बिल्कुल, रामलीला मैदान में उम्मीद से ज्यादा भीड़ हुई थी, तो उससे उनकी जो राजनीतिक इच्छा आगे दिल्ली तक की राजनीति है वो और बढ़ गई है। देखिए, रामलीला मैदान में जो भीड़ इकट्ठी हुई है वो मुझे कोई बड़ा एक्सपेक्टेड लग रही है, वो अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि बिहार एक पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है और दिल्ली और NCR इलाके में 40 लाख की तादाद जो है वो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की है, और जिस तरीके से उनके तमाम पार्टी के लोग बिहार में डेरा डालकर 2 हफ्ते से
पूरी तैयारियां कर रहे थे, तो रामलीला मैदान में लाख की भीड़ जुटाना वो कोई बड़ी बात नहीं थी, बिहार जैसे जनसंख्या बहुल राज्य से और बिहार से भी काफी लोग आए थे, तो वो भीड़ जुटनी उतनी लाजमी थी। और नीतीश कुमार का सेकेंड जो कार्यकाल है वो बहुत परफॉर्मिंग ना होते हुए भी अभी भी लोग ये मानते हैं कि इनका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कानून और व्यवस्था के मसले पे जो उनकी छवि बनी है वो आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे मध्यावधि चुनाव क्या देश में हो सकते हैं। भारत में पहली बार सही मायने में हाई क्वालिटी अफोर्डेबल हाउसिंग लाए हैं एनए कंस्ट्रक्शन। मिलेगा सपनों का घर कभी न सोच कीमत पर, कैसे जानिए www.naconstruction.co.in पर। गुदगुदाती ठंड नया दिन लाए, सुबह का अखबार वही मिली चाय, सपने बटोरते हम दूर चले आए, घर बुलाए हंसी वही मिली चाय। वाघ बकरी की मिली चाय, हर रोज एक ही स्वाद। जो मखमल सा मुलायम है सबके दिल में कायम है, रंजीत स्मार्ट बनियान, सारे गुण एक ही बनियान में, रंजीत अंडरवेयर बनियान, स्मार्ट लोगों की पसंद। सपने भी कभी थकने लगे तो जगाती है चाय, जिंदगी के संघर्ष में साथ निभाती है चाय। जिबराज 9 चाय, संघर्ष का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे डीएमके के समर्थन वापस लेने की। जी, क्या लगता है डीएमके ने जिस तरह से समर्थन वापस लिया है और विपक्ष जिस तरह से बोल रहा है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं देश में, क्या लगता है उस ओर जा रहा है देश की मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं यहाँ पर? देखिए, मध्यावधि चुनाव का मतलब ये होता है टेक्निकली कि 5 साल के बीच में 2.5 साल पे चुनाव हो या 2 साल पे हो, लेकिन ऑलरेडी ये 4 साल पूरा हो गया इस सरकार का, 5वां साल चल रहा है। सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट भी पेश कर दिया है, तो मुश्किल से 2-3 अधिवेशन बच रहे हैं और इसमें कई सारे गुना भाग करके कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकारों ने अपने पक्ष में जो है वो अपना समर्थन बनाया हुआ है। ममता बनर्जी को इन्होंने जो अपने उससे बाहर किया वो बड़ा वेल कैलकुलेटेड था, लेकिन सपा और बसपा को अपने तरीके से फंसा के रखेंगे, लेकिन फिंगर अभी भी क्रॉस होगा कि अक्टूबर में चुनाव होगा, क्योंकि अक्टूबर में 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, 4 या 5 राज्यों के। तो उसके साथ अगर लोकसभा का भी चुनाव आहूत अगर किया जाए, परिस्थिति ये बन गई कि सब लोगों ने विड्रॉ कर लिया, अगर परिस्थिति ऐसी बन गई तो हो सकता है चुनाव हो भी, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल पक्का कयास नहीं लगाया जा सकता।